पाक अधिकृत कश्मीर पर भारत का स्टैंड पूरी तरह से साफ है और एक दिन पूरा कश्मीर भारत के पास होगा, ये दावा किया है भारत के विदेश राज्य मंत्री और पूर्व थल सेना के अध्यक्ष जनरल वीके सिंह ने। उदयपुर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान ही वीके सिंह ने पूरा कश्मीर भारत के पास आने का विश्वास जताया। वहीं दूसरी ओर सेना के शौर्य पर वोट मांगने को वीके सिंह ने गलत नहीं बताया। वीके सिंह ने कहा कि 1965 और 1971 में सेना के शौर्य पर वोट मांगे गए थे। सेना के नाम पर कब वोट नहीं मांगे गए? सेना के शौर्य को लेकर तो हमेशा वोट मांगे गए। क्या 1971 के बाद नहीं वोट मांगे गए? क्या 1965 के बाद वोट नहीं मांगे गए? हमेशा। देखिए, जब आपकी सेनाएं कुछ काम करती हैं, उनका शौर्य और पराक्रम का बखान होता है, वो सिर्फ बखान होता है। ये नहीं कहा जाता कि सेना के नाम पर आपको वोट दो। आज तो किसी ने नहीं कहा, किसी पार्टी ने नहीं कहा, ना भारतीय जनता पार्टी ने ना कहा, ना किसी और ने। सेना के शौर्य की जरूर बात होती है, तो सेना के शौर्य की बात करना तो बुरी बात है।